वजीरे इत्तलाआत व बल्दियात सिंध सैयद नासिर हुसैन शाह ने कराची के अब्बासी शहीद अस्पताल का दौरा किया और तिब्बी अमले को कोरोना से बचाव की हिफाजती सामान की ताज़ा खेप हवाले की। वजीरे बल्दियात सिंध ने दौरे के मौके पर कोरोना के खिलाफ बरसरे पैकर डॉक्टरों, तिब्बी अमले और तमाम पैरामेडिकल स्टाफ की खिदमात को सराहा और खराज तहसीन पेश करते हुए कहा कि कोरोना के खिलाफ जद्दोजहद में आप हमारे फ्रंट लाइन सिपाही हैं। आज अब्बासी शहीद हॉस्पिटल का विजिट था, एक तो सैलरीज का इशू था, वो अल्हम्दुलिल्लाह सॉल्व हो गया है और इंशाल्लाह इसी वीक उनको मिलना शुरू हो जाएंगी। फिर पीपी किट्स का था कि जो प्रोटेक्टिव किट्स थी वो भी कुछ वहाँ पे दी हैं और फिर एक पूरा सिलसिला बना दिया है कि उनको जो जो चीज़ों की रिक्वायरमेंट होगी वो वहाँ पे मुहैया कर दी जाएंगी। फिर पीसीआर मशीन्स भी हैं मुख्तलिफ जो हमारे लोकल गवर्नमेंट के हॉस्पिटल्स हैं, तो उनको भी एक्टिवेट किया जा रहा है, फैसिलिटेट किया जा रहा है ताकि वहाँ भी टेस्ट जो हैं वो हो सकें। और मुख्तलिफ जगहों पे आइसोलेशन सेंटर भी बनाए गए हैं, जैसे लोकल गवर्नमेंट और केएमसी के अंडर जो एक लांडी में बहुत जो है हर लिहाज से जहाँ पे फैसिलिटीज़ हैं वो एक सेंटर बनाया गया है। इसी तरह दीगर जगहों पर भी आइसोलेशन सेंटर, क्वारंटीन सेंटर और हॉस्पिटल्स को अपग्रेड किया जा रहा है। नासिर हुसैन शाह ने अस्पताल के मुख्तलिफ शोबा जात और वार्डों का मुआयना किया और मरीजों को फराहम की जाने वाली तिब्बी सहूलियात का जायजा लिया। नासिर हुसैन शाह का कहना था कि हुकूमत सिंध की मुहलिक वबा के खिलाफ मजबूत हिकमत अमली की बदौलत रोज बरोज कोरोना से छुटकारा पाकर सेहत याब होने वालों की तादाद में इजाफा हो रहा है और आलमी सतह पर हमारे इकदाम की बेशुमार पजीराई हो रही है। दौरे के मौके पर सीनियर डायरेक्टर डॉक्टर सलमी कौसर ने वजीर बल्दियात को ब्रीफिंग में बताया कि तमाम तिब्बी अमले और पैरामेडिकल स्टाफ के लिए हिफाजत तदाबीर के साथ फराइज की अंजामदही यकीनी बना दी गई है।